अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद है सब ठीक होगे। अच्छा जी, अब जाने का टाइम हो गया। माशाल्लाह अभी टाइम हो गया है, 3:30 हो गए हैं। तो मेरी फ्लाइट है 8 बजे की, श्रीलंकन एयर बंद्रा नायकी एयरपोर्ट से। तो अभी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। वो टुक टुक वाले को मैंने बोला था कि गाड़ी भेज देना, तो वो कह रहा था भाई गाड़ी नहीं मिल रही, तो बस शायद टुक टुक ही भेजाओ। तो उसके लिए 1.5 घंटा तो एयरपोर्ट तक तो जाते लग जाना है। तो अभी मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बैग, और ये एसी को करते हैं ऑफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टूर रहा। आपको भी आप साथ ही थे, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने वीडियो को देखा और लाइक किया, आपकी मोहब्बत है। बाकी अभी ये मैं बैग पहनता हूँ। तो नीचे अभी मुझे कॉल आई थी नीचे से कि आ गया वो, अभी पता नहीं टुक टुक वाला आया है या दूसरा आया है, कोई गाड़ी वाला आया। तो नीचे जाके देखते हैं। इधर से मास्क लेता हूँ, मास्क हाथ में पकड़ लेते हैं। मेरा ख्याल है चीज़ें तो मैंने सारी ले ली हैं, रहे तो कोई नहीं गई। बस कई चीज़ें ऐसी हैं बाद में याद आता है, वो वाली चीज़ उधर ही रह गई है, अक्सर ही रह जाती हैं। वॉशरूम में ठीक है, ब्रश वगैरह मैंने ले ली है सब, टॉवल टॉवल, ये अलमारी भी खाली। तो चलें जी, चलते हैं। आज रात को ना मैं 1 मिनट भी नहीं सोया, क्योंकि इसी मसले में कि यार ये ना हो कि लेट हो जाऊं मैं, सोऊं तो उठूं ना, अलार्म कई दफ़ा नहीं समझ चलती, तो इसलिए मैं रात को 1 मिनट भी नहीं था सोया। तो अभी चले, कोई नहीं, घर जाके सो लेंगे, सोना ही है। तो बहुत अच्छा टूर रहा माशाल्लाह, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया। आप लोगों ने भी इंजॉय उम्मीद है किया होगा। तो लें जी, लेते हैं सामान, अलविदा जी। से ये कार्ड निकालना पड़ेगा पहले, इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड है ये। तो ये अभी इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड निकाला ना, थोड़ी देर ये बंद हो गई सारी। तो ये गया रूम लॉक, रूम लॉक हो गया। अभी चलते हैं नीचे रिसेप्शन पे। तो रिसेप्शन पे चलते हैं, लिफ्ट 5 फ्लोर पे, अभी मैंने बटन दबा दिए तो लिफ्ट माशाल्लाह नीचे आ रही है। तो लिफ्ट आ गई है, ग्राउंड फ्लोर पे जाना है हमने, तो ग्राउंड फ्लोर पे बटन दबा देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं हम माशाल्लाह। तो इधर अभी कोई भी नहीं है। ओ हाय, यू आर स्लीपिंग? ये भाई सोए हुए थे, अभी टाइम ही नहीं ऐसा है, इस टाइम सब सोए होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके तो जनाब अभी चलते हैं बाहर। पेमेंट में वगैरह मैंने पाकिस्तान से कर दी हुई थी ना इनको, मैं टोटल पेड लेके आया हुआ था। तो अब देखते हैं गाड़ी आई है या टुक टुक आया। मेरा ख्याल है ये गाड़ी है, व्हाट इज द नेम ऑफ टुक टुक ड्राइवर? I don't know, but I have a phone number. Okay. How much time do you have? This is it, right? Oh, yeah. Zero nine two, right? Okay. No. No. तो
जनाब बैठते हम गाड़ी पे, तो पिछली सीट पे मेरे ख्याल बैठते हैं, निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो इस टाइम देख सकते हैं आप रोड भी सारे खाली हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह तो नहीं, अभी तो रात ही है, अभी 3:30 हुए हैं। तो इंशाल्लाह 4:30 बजे तक या 5 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट 8 बजे की है। तो 8 बजे तक तकरीबन 5 बजे मुझे इंटर होना है, तो इंशाल्लाह 4:30-5 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह। तो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं हम लोग, तो अभी निकलते हैं। ये जी अभी UL 185 जाएगी, लेकिन मुझे ये था कि एयरपोर्ट काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये भाई काफ़ी पहले ले आया हूँ। चलो कोई नहीं, करते हैं वेट अब, तो फिर चलते हैं। अभी थोड़ा अंदर जाके वेटिंग हॉल में बैठते हैं, फिर एयरपोर्ट इंटर होते हैं बाद में, क्योंकि अभी टाइम है तकरीबन एक इंटर होने में 1 घंटा है, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 4:10 हुए हैं। तो मैंने मेरी एंट्री है तकरीबन 5 बजे की, तो आगे जाके वेट करते हैं इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग वगैरह हमारी हो गई है, सामान वगैरह जमा हो गया, तो अभी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट है, मेरे ख्याल 8 बजे जानी थी, अभी थोड़ी लेट जाएगी। तो अभी देखते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ चीज़ देखते हैं, जैसे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया, कुछ चॉकलेट्स वगैरह देख लेते हैं उतनी देर, तो देर में फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं इधर, ये उधर भी, मैं ले लूँ जी बच्चों के लिए कुछ चीज़, क्योंकि अंदर म्यूज़िक चल रहा है बड़ा, तो फिर वीडियो नहीं बनेगी इंशाल्लाह। डिपार्चर के वक्त दोबारा वापस आता हूँ। अभी जनाब फ्लाइट में काफ़ी टाइम था, तो भूख बड़ी लग गई थी, तो ये बर्गर किंग का सहारा लिया। तो ये खाते हैं, थोड़ा टाइम लगे, फ्लाइट में भी 2 घंटे हैं, लाहौर की तरह इधर से भी लेट। फाइनली जहाज की तरफ सामान आया हूँ, बैठने के लिए जहाज, आप देख सकते हैं तो फाइनली जनाब जहाज पे आ गए हुए हैं, तो अभी स्वीट ढूंढ रहे हैं। यार ये बड़ा जहाज़ जो है इनका खाली जाता है, इतने ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होते इसमें, बहुत कम पैसेंजर होते हैं माशाल्लाह। इस दफ़ा ना हर तरफ विंडो सीट ही है, जब से मैं आया हूँ ना सारा ट्रिप मेरा विंडो सीट पे गुजरा माशाल्लाह, अभी भी विंडो सीट है मेरे पास। जब हम लाहौर से आए थे तो फिर भी ये जहाज़ तकरीबन खाली आया, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो ये जनाब इनकी एयरलाइन में सारे में जा रही है। जी व्यूअर, जो जहाज जो है वो टेक ऑफ के लिए रनवे पे चल रहा है, अभी तो कुछ ही सेकंड में ये टेक ऑफ करने लगे, ये आप देख सकते हैं। शामिल होने वाला जहाज़
और सामने आप देख सकते हैं लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहाज जो है वो लैंड हो चुका है एयरपोर्ट पे। अभी शायद आगे कोई आगे फ्लाइट जा रही है, उस वजह से रुका हुआ है। देख सकते हैं आप सारा जहाज खाली है तकरीबन। ये बहुत बड़ा जहाज है खाली। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।